सरकार ने आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 को लागू कर दिया है। ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं और आरबीआई गवर्नर चाहे उर्जित पटेल अपना इस्तीफा दे सकते हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का ऐसा कहना है। पूरा मामला है क्या, समझाऊंगा पूरा डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल INI न्यूज इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आप रह सकें अपडेटेड। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहले आपको समझना होगा कि आखिर क्या है सेक्शन 7। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट का सेक्शन 7 सरकार को एक पावर देता है जिसमें इस सेक्शन के तहत सरकार गवर्नर को निर्देश दे सकती है, इनके साथ विचार विमर्श कर सकती है और सरकार आरबीआई के गवर्नर को गंभीर और जनता के हित के मुद्दों पर काम करने के लिए निर्देश दे सकती है। आरबीआई वो मानने के लिए मजबूर होगा क्योंकि ऐसा ये एक्ट कहता है। यानी आसान शब्दों में मैं आपसे कहूं तो ये सेक्शन 7 कहीं ना कहीं आरबीआई गवर्नर के अधिकारों को कमजोर करता है। गवर्नर और उसके द्वारा नामित डेप्यूटी गवर्नर की गैर मौजूदगी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सारे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होंगे जो सामान्य तौर पर रिजर्व बैंक लेता है। और बताया जा रहा है कि उर्जित पटेल ने अपना पक्ष सरकार के सामने रखते हुए कहा था कि वो आरबीआई के रिजर्व पर रेड ना करे। सरकार चाहती है कि अगर पटेल इस्तीफा देते हैं तो अगला गवर्नर कोई ब्यूरोक्रेट होगा। शुक्रवार को आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा था कि अगर सरकार केंद्रीय बैंक की आजादी का सम्मान नहीं करेगी तो जल्द या बाद में आर्थिक बाजारों की नाराजगी का शिकार होना होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर आरबीआई की नीतियां नियमों पर आधारित होनी चाहिए। विरल आगे कहते हैं कि सरकार के केंद्रीय बैंक के कामकाज में ज्यादा दखल देने से उसकी स्वायत्तता प्रभावित होती है। अब सवाल यह है कि आखिर भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट सेक्शन 7 को लागू करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। और मैं आपको बता दूं, ना ही 1991 में, ना 1997 में और ना ही 2008 और 2013 में इस सेक्शन को लागू किया गया था। अब लागू इसलिए किया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बयान से लगा सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को खुलकर कहा था कि 2008 से 2014 के बीच बैंक अंधाधुंध कर्ज बांट रहे थे और रिजर्व बैंक अनदेखी करता रहा, जिससे बैंकों के एनपीए में भारी बढ़ोतरी हुई। और जेटली जी जिस वक्त की बात कर रहे हैं, उन दिनों उर्जित पटेल ही डेप्यूटी गवर्नर थे, उनके पास अहम जिम्मेदारियां थी। अब सवाल यह है, जब उर्जित पटेल को आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट किया गया था तो क्या ये सब बातों का ध्यान नहीं रखा गया था या फिर अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करना था, सवाल बनता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में सरकार की ओर से आरबीआई गवर्नर को अलग अलग खत भेजे गए हैं। इन खतों में एनबीएफसी की लिक्विडिटी और कमजोर बैंकों के लिए पूंजी की आवश्यकता और एसएमईज को उधार देने के मुद्दे पर आरबीआई को सलाह दी गई है सरकार द्वारा। अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा फ्लैशबैक में ताकि मैं आपकी मेमोरी को कुछ रिफ्रेश कर सकूं। बड़े पैमाने पर बैंकों का रुपया क्यों डूब रहा है और लोग रुपया लेकर के आसानी से विदेश कैसे चले जा रहे हैं और पूंजीपतियों से नेताओं मंत्रियों के प्रेम के कारण इनके लिए बैंकों का रुपया लेकर भाग जाना कितना सरल हुआ है या बनाया गया है, ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो आपकी मंशा पर शक करने पर हमें मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। क्यों? क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े शोज होते हैं, डिबेट्स होते हैं, वहां पर ये बात और इस पर डिबेट जिंदगी में नहीं होगी, यहां तक कि बिजनेस चैनल पे भूल के भी नहीं होने वाली है। इसीलिए जनता को जागरूक कीजिए, वीडियो को पहुंचा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड।